जय हिंद। नमस्कार साथियों, दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसे आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे नए बच्चे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो रनिंग की शुरुआत कैसे करें और रनिंग की यदि शुरुआत करते हैं तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो आज वो चीज़ देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप रनिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्या आएगी, आपको उन समस्या से लड़ना है। अगर कोई भी बिगनर तैयारी स्टार्ट करेगा पहले तो उसको समस्या आएगी आएगी। पहली बात, रनिंग के पहले आपको एक्सरसाइज करना है। आप यूट्यूब चैनल पर देख लेना या किसी से पूछ लेना रनिंग के पहले कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए और रनिंग के बाद कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए। अब रनिंग के पहले एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है, रनिंग के पहले एक्सरसाइज यदि आप करते हो तो रनिंग के दौरान जो आपकी सांस फूलती है वो कम फूलेगी। इसके बाद आपको रनिंग के पहले एक्सरसाइज करने से क्या आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और आपको इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। एक्सरसाइज करने के फायदे ये है रनिंग से पहले के। अब रनिंग करने के बाद जो एक्सरसाइज करते हो उसके क्या फ़ायदे है, दोस्तों उस टाइम क्या जैसे आप रनिंग करें आपकी बॉडी पूरी थक जाएगी और आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर थकान है। आप रनिंग के बाद एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर थकान है वो थकान खत्म हो जाएगी और दूसरे दिन आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। और रनिंग करते दौरान किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, दोस्तों जैसे आप रनिंग स्टार्ट करोगे आपका पहला दिन है तो आपकी सांसें फूलेगी, शायद आपको पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। आई साइड पेट दर्द करता है क्योंकि आप जैसे मसाला वसाला खाते हो, कुछ बाहर की चीज़ खाते हो, आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको साइड पेन होता है और ये सभी के साथ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, यदि आप रनिंग स्टार्ट करोगे और जैसे आपको 2-4 दिन हो गए तो आपको घुटने में दर्द हो सकता है, इसके बाद आपको स्किन पेन हो सकता है, आपको नीचे एंगल में दर्द हो सकता है। दोस्तों ये समस्या अधिकतर बच्चों के साथ आती है और जिनकी बॉडी में ज़्यादा वेट होता है, जो मतलब ज़्यादा वेट होते हैं और वो रनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको स्किन पेन की समस्या होती है। तो आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, ये सभी के साथ समस्या होती है। दूसरी बात, जैसे कोई बच्चा काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो उसका क्या स्टेमिना इंक्रीज होता है हो जाता है और यदि आप उसके साथ दौड़ने की कोशिश करोगे, जैसे आपको पहले दिन है जैसे वो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ रहा है उसके साथ आप दौड़ोगे तो आपको इंजरी के चांसेस रहेंगे। तो पहले आपको कम ही वर्कआउट करना है, गए ग्राउंड पे एक ग्राउंड वार्म अप कर लिया, रनिंग के पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद आप वो शेड्यूल बना लें कि आज मेरे को 3 राउंड लगाना है, 4 राउंड लगाना है, 5 राउंड लगाना है। और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ग्राउंड पे करें, रोड पे ना करें, क्योंकि रोड पे जो सर्फिस होता है जो हार्ड होता है और ग्राम का जो होता है ये मुलायम होता है, तो आप क्या इसमें इंजरी के चांसेस कम रहेंगे यदि आप रोड पर दौड़ेंगे ना। और स्टार्टिंग में आपको स्प्रिंट नहीं लगाना है, नॉर्मल आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि सभी का जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो किसी का इवेंट 800 मीटर का है, किसी का 1600 मीटर है, किसी का 5 किलोमीटर है, तो सभी की प्रैक्टिस अलग अलग होती है। आप YouTube पे देख लेना, आपको मिल जाएगा किस प्रकार से आपको किस चीज़ की तैयारी करना हो, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों रनिंग के दौरान ये समस्या होती है, पेट दर्द की, घुटना दर्द की, एंगल दर्द की, सीन पेन दर्द की, एंगल दर्द की, तो इन समस्याओं से आपको डरना नहीं है, इनसे लड़ना है और आपको अपनी सावधानी के साथ तैयारी करना है। स्टार्टिंग में सभी डीमोटिवेट होते हैं, जैसे आप पहला दिन आप ग्राउंड पे जाओगे तो आप अच्छे से 2 राउंड भी नहीं दौड़ पाओगे और फिर आपको लगेगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता, और आप जैसे आपने गलती से आपने आपको टाइमिंग लगाना ही नहीं है, 10 से 15 दिन आपने टाइमिंग लगा ली तो आपको जैसे आपको 800 मीटर का इवेंट से जैसे पुलिस के अंदर हमारे यहाँ 2 मिनट 4 सेकंड का टाइम अभी फिजिकल सिस्टम हो गया है, तो 2 मिनट 4 सेकंड के पहले आते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, पहले इसके पहले था 2 मिनट 45 सेकंड के पहले यदि आप आते हो तो क्वालिफाई कर लेते हो। तो जैसे हम शुरू बार हम बिना तोड़े यदि टाइमिंग लगाते हैं तो हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा आती है, जैसे 4 मिनट चले गए, 4:30 मिनट चले गए, तो उससे क्या आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में सभी का यही परफॉर्मेंस रहता है, तो आपको उसे डरना नहीं है, लड़ना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से हर काम संभव है, असंभव है दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिस करी है, उसके लिए मेहनत करी है, तो वो काम संभव होगा। दुख, परेशानी, दर्द, ये सब समस्या फिजिकल के दौरान आती हो और इसी का नाम ट्रेनिंग है। तो आपको इससे लड़ना है, इससे प्रैक्टिस करना है और आपकी जो परेशानियाँ हैं इनको हराकर आपको जीतना है। तो दोस्तों ये समस्याएं आती है रनिंग के दौरान, तो इनकी सावधानी रख के आपको तैयारी करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।